अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं शाहिद आईटी सेंटर। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, ठीक हैं? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपोलो के DVR से रिकॉर्डिंग या बैकअप निकालने का तरीका का। सबसे पहले आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके प्ले बैक या सर्च पर क्लिक करेंगे। सॉरी, इसमें सर्च नहीं होता, धावा के DVR में सर्च होता है। अपोलो के DVR में प्ले बैक होता है, हाई के विजन में भी प्ले बैक होता है और CP+ में भी प्ले बैक का बटन होता है। प्ले बैक पर जाके आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये आ जाएगी डेट, तारीख सेलेक्ट करेंगे। ये आइकन जो फिल हैं डेट के, आप चेक कर लें, इस पर जो भी तारीख चाहिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे सब्ज कलर की बार शो हो जाएगी। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरों की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो इसमें आपको तो जिस तारीख की चाहिए, जिस डेट की चाहिए, वो टाइम और डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं पहले। और नीचे ये 1 से लेकर 24 तक होते हैं, इसके 24 घंटे आवर शो होते हैं। नीचे ऊपर 12 होते हैं लेकिन नीचे 24 घंटे शो होते हैं। तो अगर आपको 2 बजे की निकालनी है तो आप 14 बजे सिंपली 14 बजे सेलेक्ट करेंगे, 12 का और 2 14। और इसको आपने अगर नॉर्मल मोड पर देखना है तो ओके, अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो ये आप फास्ट फॉरवर्ड के बटन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये X2 का ऑप्शन आ जाएगा, फिर X4, फिर X8 और फिर X16। जितनी स्पीड आप चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम करनी है तो पीछे साथ ही बटन है स्लो का, वो आप क्लिक करके स्लो भी कर सकते हैं। और अगर आपने रिकॉर्डिंग निकालनी है तो सिंपली USB में रिकॉर्डिंग निकालनी है तो टाइम और डेट सेलेक्ट करें, फिर वो साथ में ये कैंची का निशान बना ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, फिर जितना हिस्सा चाहिए उतना उस पर सेलेक्ट करके फिर दोबारा कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर साथ में ये बैकअप का निशान आ जाएगा, उस पर उसके ऊपर क्लिक करें तो ये कैमरा नंबर चैनल नंबर 4 शो करवा रहा है, यानी कि कैमरा नंबर 4 हमारा सेलेक्ट हो गया। उसकी डेट भी शो करवा रहा है और टाइम भी शो करा रहा है, उसका साइज़ भी शो करवा रहा है। उसके नीचे जो बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है USB में कॉपी हो जाएगा। इसमें हमने USB नहीं लगाई, इसलिए जो ये है प्लेबैक निकालने के लिए आपने सिंपली मेन्यू में जाना, फिर प्लेबैक पर जाना है और फिर ये उस पर क्लिक करेंगे जो भी डेट है, तो नीचे ये ग्रीन कलर की स्लाइड बार शो हो जाएगी। इस पर डबल क्लिक करें तो रिकॉर्डिंग आपकी नीचे आ जाएगी, फिर डबल क्लिक करेंगे फिर कैमरों की रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी, फिर जिसको बड़ा करना है उस पर डबल क्लिक करें कैमरे को तो कैमरा बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है तो फिर डबल क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा। जूम करना है या तो स्क्रॉल जो व्हील होता है माउस में, स्क्रॉल व्हील होता है सेंटर में, उसको जूम करेंगे और ट्रैक करेंगे तो जूम हो जाएगा, फिर ट्रैक करेंगे फिर वापस आ जाएगा, या फिर माउस से आप क्लिक के उस एरिया में बॉक्स बढ़ा देंगे। देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स बना के जिस हिस्से को जूम करना आप जूम कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। फिर इसकी स्पीड चाहे आप तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने X16 पे कर दिया है। अगर आपने USB निकालना है तो इसको बड़ा करें, कैमरा सेलेक्ट करें, टाइम और डेट सेलेक्ट करें, उसके बाद ये कैंची वाला निशान है ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, फिर टाइम स्टार्ट आ गया, फिर एंड टाइम सेलेक्ट करें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए। दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन आ गया बैकअप का ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे कैमरा नंबर आ गया चैनल नंबर 2, यानी कि कैमरा नंबर 2 है, इसके डेट आ गई, टाइम आ गया और फाइल साइज आ गया, 392 MB की फाइल है ये, और नीचे ये बैकअप का निशान है ऑप्शन। ये बैकअप पे आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है यू हैव नॉट सेलेक्टेड ए डिवाइस, यानी कि USB लगाएं, इसमें USB हमने नहीं लगाई, USB लगाएंगे तो आपका सारा डाटा जो ये USB में कॉपी हो जाएगा।
और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो DVR की रिकॉर्डिंग होती है ये डायरेक्टली कंप्यूटर में नहीं चलती होती है, तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्मार्ट प्लेयर, उसमें चल जाती है ये। जी जी जिस कैमरे की आपको चाहिए वीडियो वो कैमरे सेलेक्ट करके आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके टाइम और डेट सेलेक्ट कर लें, वीडियो निकाल लें। सिंपली इजी मेथड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ में घंटी का बेल वाला आइकन है। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस और अपडेट चाहिए आपको CCTV कैमराज के बारे में तो उस बेल के आइकन पे आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।